मैं अभी एक बच्चे को देख रहा हूँ जो दूध पीता है पर वो बहुत जिद करता है राइट नाउ। जिस बहन का भी जो बच्चा है, एक दुष्ट आत्मा है उस बच्चे के पीछे, अपने बच्चे पर हाथ रखो, वो दूध पीता बहुत जिद करता है। जो बंदा 3 महीने से परेशान है और पूरी रात जिसकी ऐसे निकल जाती, तुम सोचो उस पर उस समय क्या उसके साथ बीतती होगी। हाँ, क्योंकि रात सोने के लिए, आराम के लिए परमेश्वर ने बनाई है, तो इसको पूछो इसका क्या उस समय इसकी हालत होगी, अपने बच्चों को लेकर ये कितना परेशान होगी। हालेलुया, इस सिस्टर का नाम शमा है और जे जिला तरन तारण ठटिया मंथ गांव के रहने वाले हैं। और इस सिस्टर के बेटे की गवाही है, जे बता रहे कि 3 महीने हो गए थे इनका बेटा बहुत ज्यादा जिद करता था। जे बता रहे कि रात के समय भी जे पूरी रात सोता नहीं था, बहुत ज्यादा रोता था और जे एक नेगेटिविटी दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, क्योंकि इसके कारण इसकी बॉडी में खारिश की प्रॉब्लम थी और जिसके कारण जे बता रहे लगातार इसकी मेडिसिन ले रहे थे और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और जे बता रहे कि उसके बाद इसको फीवर की प्रॉब्लम होगी, बुखार भी आ गया था और जिसके कारण जे और भी ज़्यादा जे सिस्टर परेशान हो चुके थे और इन्हें समझ नहीं आ रही थी। जे लगातार इसको बुखार की भी दवाई दे रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे और जो इसकी बॉडी पर खारिश हो गई थी। और जे बता रहे कि उसके भी जो लगातार ही मेडिसिन दे रहे थे और जो बता रहे कि इसके कारण जो कुछ भी नहीं खाता था, जो दूध पी रहा था और इसने दूध भी छोड़ दिया था। और जो बता रहे कि जो सिस्टर बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि पूरी रात जो इसके साथ इन्हें परेशान रहना पड़ता था क्योंकि जो बिल्कुल सोता नहीं था। सुबह के टाइम पे जो बता रहे कि जो बिल्कुल भी खेलता नहीं था और जो बता रहे कि जो किसी के घर में किसी के पास भी नहीं जाता था और जब बता रहे कि जी अपनी मदर के पास ही रहता था, इतनी ज़्यादा जिद करता था। और जब बता रहे कि जैसे कि जी बच्चों के खिलौने कुछ भी इसे देते खेलने के लिए तो जो बिल्कुल नहीं खेलता था, इतनी ज़्यादा जिद करता था, कुछ भी खाता नहीं था, खेलता नहीं था। और जब बता रहे कि प्रॉब्लम के कारण भी जो बहुत परेशान हो चुके थे। और जे सिस्टर बता रहे कि फिर इन्होंने परमेश्वर के आगे जे प्रार्थना कर रहे थे कि जे तो मेडिसिन से भी इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और जब इन्होंने इस पिछले संडे प्रभु बोस की मीटिंग को अटेंड किया 3 नवंबर की, और जब बता रहे जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया तो परमेश्वर के दास जब मास प्रेयर कर रहे थे तो परमेश्वर के दास को खुदा ने अगुवाई की कि एक छोटा बच्चा जो दूध पी रहा है और उसको एक दुष्ट आत्मा है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा जिद करता है। पहले हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। मैं अभी एक बच्चे को देख रहा हूं जो दूध पीता है पर वो बहुत जिद करता है राइट नाउ। जिस बहन का भी जो बच्चा है, एक दुष्ट आत्मा है उस बच्चे के पीछे, अपने बच्चे पर हाथ रखो, वो दूध पीता और बहुत जिद करता। यस खुदा, तेरी पावर को मैं उस ऐसी बच्चे के ऊपर जो शैतानी आत्माएं वो अटैक करती हैं, यस खुदा तेरी पावर से इस क्षण उस बच्चे को वो छोड़े। आत्मा शट, जल्दी आत्मा निकल इस बच्चे के जीवन से, शट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। अजय सिस्टर बता रहे हैं कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा इन्होंने इस परफेक्टिक वर्ड को रिसीव किया और इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ जो आज आपने अपने दास के वसीले मेरे लिए अगुवाई की, मेरे बेटे की, और जिसके कारण मैं बहुत परेशान थी। और जब बता रहे कि जैसे कि प्रभु बोस के बाद 1 हफ्ते की प्रेयर थी और जब बता रहे कि माइक तो जय श्री पापा जी, जय श्री मम्मा जी, सारी प्लीज की जय मसीह की। अच्छा, जब प्रेयर हुई तो फिर कितने दिन के बाद ये ठीक हो गया, मतलब जो जिद करता था, जो बुखार था इसे? पाजी जी, दिन संडे वाले दिन मैं रिसीव किया, मैं जाके घर जाके प्रार्थना की थी कि जो भी तेरे दास तो परफेक्ट कर दे, मेरा बच्चा बिल्कुल सही हो चुका है। तो पापा जी उस दिन रात ही बढ़िया जान के, मतलब रात ही वो अच्छी नींद सोया और उसके बाद कभी भी फिर जिद नहीं की, जो इसे फीवर रहता था, बुखार, वो भी चला गया जी। और उस दिन से बिल्कुल अच्छा हो गया। आज कितनी तारीख को?
3 नवंबर को। 3 नवंबर, हाँ तो आज कितनी तारीख है? आज पूरा 1 हफ्ता हो गया। हाँ? 1 हफ्ता हो गया, क्योंकि उन्होंने लगातार जो मीटिंग अटेंड की थी उन मीटिंग में बिल्कुल भी इसने परेशानी किया, जो सुबह के टाइम खेलता नहीं था, जो सो भी नहीं सकता था। और जब अप्रैल में आते रहे जो इस पिछले हफ्ते हुई? हाँ जी पापा जी। कितने दिन आए पापा जी? बस शनिवार नहीं आए, बाकी पूरे दिन आए। अच्छा, पूरा सिर्फ एक ही दिन नहीं आए, बाकी पूरा हफ्ता आए। हाँ जी पापा जी। देखो क्यों नहीं परमेश्वर काम करेगा, क्यों नहीं सरक से वचन देगा। अच्छा, जब 3 महीने तक ये इसे फीवर रहता था, मेडिसिन देते थे, मेडिसिन भी कोई भी इसके नहीं पापा, कोई काम नहीं कर रही ना? बड़ी पापा जी मेडिसिन देते, कोई काम नहीं कर दी पापा जी। ये जे मतलब बॉडी जे पूरे मतलब खारिश नाल दाने भी हो गए ही। अच्छा, ज्यादा मेडिसिन देने से इसकी बॉडी में क्या होगी? एलर्जी। एलर्जी होगी, क्योंकि मेडिसिन क्या होती है ना, समझा रही है? ज्यादा देने से इसकी बॉडी में स्किन में एलर्जी होगी, दाने होंगे थे छोटे छोटे। हाँ जी पापा जी। तो उससे भी और ज्यादा परेशान होगी, पहले फीवर, फिर ये, फिर जिद। और ये 3 महीने मतलब रात को सोता नहीं था? हाँ जी पापा जी, रात में सोता नहीं होता, खेड़दा भी नहीं होता, जान के परेशान पड़ा करता है, पूरी रात ऐसे निकल जाती है। हाँ जी पापा जी। ये देखो, जो बंदा 3 महीने से परेशान है और पूरी रात जिसकी ऐसे निकल जाती, तुम सोचो उस पर उस समय क्या उसके साथ बीतती होगी। हाँ, क्योंकि रात सोने के लिए, आराम के लिए परमेश्वर ने बनाई है। तो इसको पूछो इसका क्या उस समय इसकी हालत होगी, अपने बच्चों को लेकर ये कितना परेशान होगी। बोलो क्या है? ठीक है, फीवर है, मेडिसिन दे रही थी कि हाँ इससे आराम मिल जाए। इसलिए मैं कहता हूं मेडिसिन, मेडिकल जो साइंस है, मेडिसिन जो बुरी चीज नहीं है, पर जब मेडिकल साइंस काम ना करे तो फिर इंसान कहां पे जाए। जब मेडिकल साइंस काम ना करे, मेडिसिन काम ना करे, तो फिर इंसान जाए कहां पे। पर ये विश्वास में थी और खुदा ने उस दिन इसे स्वर्ग से इसके बच्चे के लिए वचन दिया। मेरे से तो इस विषय की बात नहीं ना हुई, कोई भी कोई बात नहीं हुई। हाँ, मेरे से कोई बात नहीं हुई कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये तो विश्वास से आ रही थी बस। हाँ, परमेश्वर क्या करेगा। पर इसके मन के अनुसार खुदा ने इसे स्वर्ग से वचन दिया। आज देखो पूरा हफ्ता हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी दिन से रात अच्छी नींद आई, आज पूरा हफ्ता कोई फीवर नहीं, कोई एलर्जी नहीं। हाँ, नहीं है ना, अच्छे से सो रहा है और खुदा ने पूरी तरह से फ्री कर दिया है। दोनों हाथों को उठाकर तारीफ करो। जोर से, जोर से तारीफ करो। ये सुरख